हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, हम लोग ना ये बीटरूट का जूस हर रोज पीते हैं और मम्मा जो बनाती है। और मेरे पापा क्या कर रहे हैं? पापा, अरे बस मैं अभी जस्ट वीडियो देख रहा था। अच्छा, फिर उसे याद आया कि व्लॉगिंग शुरू कर ले। हाँ बताओ क्या चल रहा है। तो गाइस क्या है ना कि हमारे नेबर जो थे वो कोरोना पॉजिटिव थे, बट अभी तो वो नेगेटिव हो गए हैं। और उनको मैं मिलने गया था, मैंने सोशल डिस्टेंस रख के उनसे कल बातचीत की थी। वो उनको नेगेटिव हो गया था? हाँ, अभी तो नेगेटिव हो गए। उन्होंने मतलब अच्छे से अच्छा सा मतलब गवर्नमेंट का ट्रीटमेंट लेके वो आ गए हैं, अभी कोई टेंशन नहीं है। तो मैं उनसे कल मिलने गया था। तो गाइस क्या है ना कि कल उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि 14 दिन जो वो कोविड सेंटर में थे, राइट। तो उन्होंने उनको मैंने पहले ही पूछा कि आपको कैसा लगा उधर। मतलब अगर किसी को, काफ़ी सारे लोग हैं ना डरते हैं ना, जो कोविड सेंटर में जाने से बहुत डरते थे। तो मैंने मतलब मेरे दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने उनको पूछे कि कैसा था आपका उधर ट्रीटमेंट, कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा। तो गाइज, पापा ने अभी जो बताया कि हमारे जो नेबर क्वारंटाइन हुए थे 14 डेज के लिए, तो पापा उन्होंने ऐसा भी बोला था ना कि जब मैं यहाँ पर बेड पे मतलब कि रेस्ट कर रहा था हॉस्पिटल में, तो उनके सामने ही फोर पीपल लोग डेड हो गए उनके सामने। वो मैं बता रहा हूँ ग्रंथ। तो उनको मैंने जब है ना मतलब मैं उनसे जब मिलने गया था तो मैं उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मुझसे कि अमित वैसा है कि जो यहाँ से अगर थोड़ा सा भी वीक हो गया या तो यहाँ से अगर डर गया ना, तो उनके लिए सेंटर नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि वहाँ उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला, वो बोल रहे थे कि गवर्नमेंट इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे रही है, लेकिन पता नहीं वो ट्रीटमेंट अपने तक पहुँचते पहुँचे, जो बोलते हैं ना कि जब गवर्नमेंट 1 रुपया हम पब्लिक के लिए भेजती है तो पब्लिक के पास वो 20 पैसा ही पहुँचता है, वैसा ही हाल था। लेकिन फिर भी उनको उन्होंने बोला था कि कैसे मैं उनको अलग अलग सेपरेट रूम दिया गया था विथ अटैच टॉयलेट एंड मतलब बाथरूम टॉयलेट था, और उनको टाइम टू टाइम सुबह चाय, ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, सब कुछ टाइम पे मिल रहा था। फिर मुझे बताया गया कि उनको है ना एक किट मिलती थी, एक वो किट के अंदर नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन था, हेयर ऑयल था, कंघा था, फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे पाउडर हो गया वो था, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और वो भी ऐसी छोटी छोटी नहीं कि जैसे होटलों में होती है, ऐसा प्रॉपर पैक दिया हो गया था। मैंने खुद ही देखा कि ऑयल, बजाज ऑयल का कुछ तो बॉटल था, इतना बड़ा बड़ा बॉटल था, वो सब था। और हर एक रूम में अटैच ऑक्सीजन था, सिलेंडर नहीं था। उन्होंने सीधा प्लांट से ना वो पाइप ही रखा हुआ था कि आपको सीधा पाइप अटैच करो और सिलेंडर और ऑक्सीजन मिल सकता है आपको, लेकिन उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। वो जस्ट उनका माइनर पॉजिटिव थे, उन्होंने उनका जो रहता है ना माइनर वही था, उसकी वजह से उनको सिर्फ वो क्वारंटाइन हुए थे। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका। तो मैंने भी पूछा कि यार लाइफ में अगर कभी किसी दोस्त को या किसी को भी अचानक से जरूरत पड़ गई तो लोग कोविड सेंटर जाने से डरते हैं, तो जाना चाहिए कोविड सेंटर या तो फिर घर में क्वारंटाइन रहना चाहिए? तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अमित अगर है ना तुम स्ट्रांग हो, अगर थोड़ा सा भी डर नहीं रहेगा ना, तो क्योंकि है ना वहाँ पे थोड़ा सा माहौल है ना थोड़ा सा बिगड़ जाता है अपने सामने, अचानक से कोई पेशेंट आ जाता है, अचानक से कोई पेशेंट का ये हो जाता है अपना, सडनली हेल्थ बिगड़ जाएगा, तो इधर उधर भागम दौड़ी, रिएक्ट कैसे करना है डॉक्टर लोग, तो वो थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा ये रहना पड़ेगा कि स्ट्रांग रहना पड़ेगा, वो सब तुम्हारे सामने चल रहा है। उन्होंने बोला कि वो जब कुछ 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुए थे, वहाँ से थोड़ा सा उनको थोड़ा सा और हेल्थ में थोड़ा सा इश्यू हो गया था, तो उन्होंने बोला था कि मेरे सामने ही 3-4 लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो बोला था कि वो सब है ना थोड़ा सा, बट उन्होंने एक चीज़ बोली कि सैल्यूट टू आवर डॉक्टर एंड आवर नर्स जो पूरा अपफ्रंट पूरा काम करते हो, दिल से काम करते हैं। जैसे अगर मेरा मास्क यहाँ तक अगर हो है तो वो अपने हाथों से अपना मास्क यहाँ तक चढ़वा देते, मतलब उनको सैल्यूट है कि वो लोग जरा सा भी डरते नहीं है, क्योंकि उनको तो पूरा सारे पेशेंट कुछ तो 96 पेशेंट थे, 96 पेशेंट के आसपास वो बीच में सारे पॉजिटिव है, उनके बीच में वो लोग काम करे, तो वो सैल्यूट उन डॉक्टरों को भी और नर्स को भी, मतलब इन दोनों के अलावा जितने लोग भी स्टाफ में काम करे सबको सैल्यूट है कि वो लोग इतना फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं। तो हम ये जो न्यूज़ में देखते हैं कि लोग गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं, लोग डॉक्टर को गाली दे रहे हैं, कहीं ना कहीं
वो चीज है जो अच्छे लोगों को ये कर रही है, मतलब अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं उनको उनको भी नाम खराब हो रहा है। तो ये सब चीज अभी ये टाइम इतना बुरा चल रहा है। लोग आजकल मैं सुन रहा हूँ कि ऑक्सीजन की इंजेक्शन की जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है यार, उनको एक चीज होनी चाहिए कि इंसानियत मर चुकी है क्या? मतलब ये क्या चल रहा है, लोग आज मरने पे तुले हुए हैं बजाय पैसा कमाने से। पैसे कमाने का टाइम नहीं है ये, लोगों को हेल्प करने का टाइम है ये। हेल्प मतलब अगर मेरे पास है तो मैं तो फ्री में दे दूँ किसी को, ये टाइम है। अपना देश बहुत ही पूरे टाइम से निकल रहा है, हम लोगों को साथ में रह के काम करना पड़ेगा, एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, तभी हम आधा वॉर तो हम वैसे ही जीत लेंगे। ऐसा नहीं कि यार किसी को कोविड हुआ तो तुम सुन के घर में घुस जाओगे, एटलीस्ट तुम एक दूसरे को थोड़ा सा भले सोशल डिस्टेंस रख के भी एटलीस्ट उनसे बात करो पॉजिटिवली, मतलब फ़ोन पे बात करो कि भाई सब ठीक है, टेंशन मत ले, ये कुछ बड़ा नहीं है, यू विल बी फाइन। तो वो थोड़ा सा उनको उसको भी थोड़ा मतलब मिलेगा कि हाँ लोग हैं मेरे साथ, उनको भी थोड़ा सा एनर्जी आएगा कि हाँ लोग हैं। यहाँ तो क्या है ना कि काफ़ी बिल्डिंगों में तो काफ़ी जगह पे मतलब ऐसा होता है ना कि कोई पॉजिटिव भी आ जाता है ना तो छुपाते हैं। वो क्या है ना कि इन लोगों में डर रहता है कि यार ये सुनेंगे तो सोसाइटी वाले या तो बिल्डिंग वाले या तो कहीं पे भी मतलब डरते हैं ये बताने से कि मेरे को पॉजिटिव है। तो उनको डर ये लगता है कि यार लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लोग कैसे मुझे अवॉइड करेंगे। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अभी हमें साथ मिलना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ साथ मिल के मतलब तुम्हें एक दूसरे के साथ रह के काम करना है, मतलब साथ रहना मतलब कि उसको उसको कॉल करके तुम बताओ कि भाई डोंट वरी, कुछ भी काम रहेगा तो हम तुम्हारे साथ हैं, जब भी कुछ भी काम हो जस्ट कॉल करना, तुझे कोई भी चीज़ चाहिए बाहर जाके कुछ लेना है हम तुम्हें दे देंगे, टेंशन मत लो, बट आप सेफ रहो घर के अंदर हो, वैसा अगर वो कर दिया बहुत है, उतना बहुत है। तो ये टाइम है न कि एक दूसरे की टांग खींचने का, या तो न पैसा कमाने का, न इलीगल पैसा कमाने का ब्लैक मार्केटिंग करके, ये है एक साथ में सब चलने का टाइम है ये। तो बस उतना करो, आधी जी लड़ाई तो हम वैसे ही जीत लेंगे। चीयर्स। अर्पिता ने ये हम लोग रोज ये जूस पीते हैं जिसके अंदर क्या होता है, एक बात कुकुम्बर, कैरेट, बीट, जिंजर, लेमन, टोमेटो, सेवन चीजें। यस। तो आज लंच में ना कढ़ी बन रही है, और ये ऐसी वैसी कढ़ी नहीं है, ये क्या है, काठियावाड़ी कढ़ी, रजवाड़ी कढ़ी बनाई है अर्पिता ने आज खास अलग से, मतलब एकदम। तो वैसे भी कढ़ी तो मेरी फेवरेट है, और गुजराती कढ़ी तो मतलब फेमस ही होती है, बट उसमें भी रजवाड़ी कढ़ी और टेस्ट मैंने कर लिया ऑलरेडी, बहुत सुपर है। उसमें सूखे मसाले स्पेशल रहते हैं, और जब भी हम तड़का लगाते हैं ना तो उसके अंदर थोड़ा मैंने बेसन का आटा भी डाल दिया था, घी, और घी से ही उसका तड़का लगता है। अरे वाह, जोरदार लागे जा खिचड़ी। तो खिचड़ी रजवाड़ी खिचड़ी बन गई है प्रॉपर, हम लोग अभी लंच करेंगे ग्रंथ। चलो शुरू करो। ये देखो, तो रोटी, रजवाड़ी कढ़ी, रजवाड़ी खिचड़ी, पोटैटो एंड भिंडी सब्जी, श्रीखंड। मतलब ग्रंथ ये बोल के गया, मतलब खर्चा करवाने का स्कीम बता के गया कि ऑर्डर करो 1000-2000 की चीज़ है ये। तो ग्रंथ खेल रहा है ना, लेकिन आवाज़ बहुत कर रहा है, और अर्पिता अपना स्टडी कर रही है। ग्रंथ, और मैं बाहर आराम से बैठा हूँ और नज़ारे एंजॉय कर रहा हूँ। ग्रंथ, ओ ग्रंथ, ग्रंथ बुला उसको। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, बाय।